10 साल के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए आरजेडी के एमएलसी रीतलाल यादव पर 24 घंटे एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। रीतलाल यादव के खिलाफ दानापुर थाना में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। सीओ के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 30-40 वाहनों के साथ एमएलसी रीतलाल यादव अपने समर्थकों के साथ हाथी खाना मोड़ के पास जुट थे, जिससे लॉकडाउन एवं सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर रीतलाल यादव समेत 11 लोगों को नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल रीतलाल यादव शनिवार को बेऊर जेल से जमानत पर बरी किए गए थे। पटना हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ईडी के चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय सजा से अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने पर आरोपित रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने आदेश जारी किया था। इसी आदेश के आलोक में पटना के एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडे ने जेल में बंद रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी किया। रीतलाल करीब 10 साल से लगातार न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल के गोदावरी खंड में बंद थे। उन पर कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं और कई आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष उनके आरोप साबित करने में असफल रहा है। कोर्ट ने उन्हें अपराध के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट में लंबित अन्य आपराधिक मामलों में वे जमानत पर हैं। आपको बता दें कि रीतलाल यादव 4 सितंबर 2010 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद रीतलाल यादव लगातार बेऊर जेल में बंद थे। बीच में 15 दिनों के लिए बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट ने पैरोल पर जाने की अनुमति दी थी। 25 जनवरी 2020 को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जेल मुक्त हुए और फिर 10 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। न्यूज डेस्क।